फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिक्स क्रिएटिव्स। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी चल रहा है वेडिंग सीज़न, तो हम टेलर्स की बहुत ज़्यादा काम हो जाती है इस सीज़न में। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा आप लोगों को जो कुछ मैं जानती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इस समय में जो है लटकन के साथ जो है बड़ा दिक्कत हो जाता है कि किस ड्रेस में, किस साड़ी में, किस सूट में, किस ब्लाउज़ में हम किस तरीके का लटकन लगाए। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ लटकन आइडियाज़ शेयर करने वाली हूँ, और मैं जो अपने कलेक्शन में रखी हूँ लटकन कि किसी भी टाइम पर मैं किसी भी सूट या साड़ी या ब्लाउज़ के साथ लगा सकूँ, उन्हें मैं दिखा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, लटकन आजकल कपड़े बहुत सारे वैरायटी ऑफ कलर्स में आते हैं, पर हम हर वैरायटी कलर का रखे ये पॉसिबल नहीं है। ये मैं कुछ रखी हूँ जो हर ड्रेस के साथ जा सकता है और मैं इंस्टेंटली लगा सकती हूँ। ये देखिए, ये एक लटकन का टाइप है, मैं आपको दिखाती हूँ एक निकाल के। ये देखिए, मैंने दो दो का पेयर टाई अप करके रखा हुआ है। ये इस तरीके का गोल्डन लटकन है, अच्छा लेंथ भी है इसका। तो ये मेरा फर्स्ट लटकन गोल्डन कलर का। इसको आप ब्लाउज़ में लगा सकते हो, ये ब्लाउज़ वगैरह में बहुत सुंदर लगेगी। और अगर आपका सूट हैवी है तो उसमें ये बहुत अच्छा लगेगा, पर अगर आपका सूट थोड़ा पेस्टल कलर्स में है तो उसमें ये अच्छा नहीं लगेगा। आप इसे साड़ीज़ में यूज़ कर सकते हैं, हर तरीके के साड़ी के ब्लाउज़ के साथ ये जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट टाइप में जाते हैं। सेकेंड में फ्रेंड्स, ये आपको मिल जाएगा। आपको मैं डिज़ाइन दिखाती हूँ, ये आप देख सकते हो। इसमें ये जो है बॉल में ये मल्टी कलर के इस तरीके के स्टोन से फ्लावर बना हुआ है। नीचे भी रेड एंड ग्रीन है, रेड एंड ग्रीन तो हर चीज़ में मिल ही जाता है, या फिर सिर्फ रेड भी है यहाँ पर पे आप देख सकते हो, ये पूरे सिर्फ रेड का है। तो ये जो है फ्रेंड्स, ये सूट वगैरह में बहुत अच्छा लगेगा। आपका सूट चाहे कोई भी कलर का क्यों ना हो, उसके साथ ये जमेगा, क्योंकि इसमें सारे कलर्स अवेलेबल हैं। मतलब एक ही लटकन में पूरा मल्टी कलर का लटकन है, और ये बहुत ही अच्छा लगेगा सूट्स के साथ। देखिए थर्ड टाइप में फ्रेंड्स, ये वाले लटकन हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहे हैं ये। ये देखिए, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। कोई भी ब्लॉक कलर्स के साथ, यानी वन शेड कपड़े अगर हैं, चाहे वो सूट हो या चाहे वो साड़ी हो, तो उनके साथ बहुत अच्छे जमेंगे। और ये हर तरीके के डार्क कलर्स के साथ जम जाएंगे, चाहे वो रेड हो, चाहे वो ब्लू हो, चाहे वो ग्रीन हो, ये सभी तरीके के डार्क कलर के कपड़े, ब्राइट कलर कपड़ों के साथ बहुत अच्छा जमेगा। और इसके नीचे ऐसे मोती भी लटक रहे हैं। ये थे पर्ल वाले टाइप वन। इसी टाइप के पर्ल लटकन एक और वैरायटी है मेरे पास, ये टाइप थ्री लटकन है फ्रेंड्स, और ये भी पर्ल में ही है। ये थोड़े से दूसरे वैरायटी में है, ये थोड़े से ज़्यादा लॉन्ग होंगे। डिज़ाइन में ये पतली है, लेकिन ऐसे लेंथ में ये थोड़ा सा लॉन्ग होगा। नीचे इस तरीके का पाइप सिस्टम वाला है ये, तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा है। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। ये भी ऐसे साड़ीज़ के साथ, ब्लाउज़ में, किसी भी सॉलिड कलर्स के साथ ये बहुत अच्छी तरीके से जाएगा। अब पूरे गोल्डन में ये एक और वैरायटी है, आप देख सकते हैं बॉल ड्रॉप्स हो रहे हैं, और नीचे इस तरीके की ये है। ये काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक लुक देता है। ये भी किसी भी साड़ी, लहंगा के ब्लाउज़ के साथ बहुत अच्छा जाएगा। ये सूट के साथ भी अच्छा जाएगा, अगर आपका सूट हैवी है तो ये उसके साथ भी बहुत अच्छा जाएगा। देखिए सिक्स्थ टाइप में जो है इस तरीके का लटकन है, और ये डिफरेंट कलर्स में है। तो ये मैंने आई गेस 12 कलर्स का लिया है, नहीं है सिक्स, पता नहीं 12 या फिर 6 कलर्स के होंगे। मैंने सारे 6-6 लिए थे। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ ब्लैक में। ये देखिए, यहाँ पे एक बड़ा सा मोती है, पर्ल है ब्लैक कलर का, और नीचे ऐसे गोल्डन कलर के, ऐसे ही सारे कलर्स के साथ। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये पिंक कलर। ये मैं एक एक करके दिखाती हूँ। ये आप ब्लाउज़ वगैरह के साथ भी लगा सकते हैं। देखिए ग्रीन के दो हैं, और ये रॉयल ब्लू, ये स्काई ब्लू, ये मरून कलर का है, और ये
ऑरेंज कलर पे है। तो ये मैंने हर कलर के लिए हैं, इसको हम साड़ी एंड लहंगे के ब्लाउज के साथ लगा सकते हैं। अब मैं आपको पर्टिकुलरली बताने वाली हूँ लहंगे के बारे में। आपको अगर लहंगा डिज़ाइन करना है तो उस पर आप ये लगा सकते हैं। लहंगे पे जो हम नीचे लहंगे का जो हम डोर रखते हैं उस पर भी हम इसे लगा सकते हैं, काफ़ी सुंदर लगेगा। अगर आपका लहंगा रेड कलर का है या ब्लू कलर का है या गोल्डन कलर का है तो ये किसी भी लहंगे के साथ बहुत अच्छा जमेगा। दोस्तों कुछ कुछ लहंगे ऐसे होते हैं जिसमें कलर्स तो बहुत अच्छे होते हैं, जैसे ब्लू हो गया, रेड हो गया, ग्रीन हो गया, लेकिन उसके डिज़ाइन के कारण हम उसमें कोई उसी कलर का लटकन हम नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि चोली लहंगा दुपट्टा सब एक ही कलर का हो जाता है। तो उसमें हम इस तरीके का लटकन हम लगा सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा ऐसे में। ये जो है आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही लंबी है लेंथ में, तो ये भी काफ़ी अच्छी लगेगी। ये आपका आधा हाथ बराबर लेंथ का है ये, तो ये लहंगे में बहुत अच्छा लगता है ये इस तरीके का लटकन। ब्लाउज वगैरह में अच्छा नहीं लगता, पर कुछ लोग पसंद करते हैं तो लगा सकते हैं, बट मेरे पसंद से ये लहंगे में बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो छोटे बच्चों के लहंगे होते हैं, अगर उसमें लॉन्ग में लगाना चाहते हैं तो ये छोटे बॉल वाले हम लगा सकते हैं ये ऐसे इस तरीके से। और ये बड़ों लोगों के लटकन में, मतलब जो अडल्ट्स होती हैं गर्ल्स, उनके लहंगे में भी, टीनेज गर्ल्स के लहंगे में भी ये काफ़ी अच्छी लगेंगी। इसकी लेंथ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा लंबी है। अब जो है इसी का मैं आपको एक छोटा ये दिखा रही हूँ, ये ऐसे है ना, ये देखिए ये वेलवेट के बॉल्स हैं नीचे, ये काफ़ी क्यूट साइज़ में है। जिन्हें बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं पसंद हैं उन्हें ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगी। ये आप लहंगा बोल लीजिए, ब्लाउज बोल लीजिए, सूट बोल लीजिए, किसी भी चीज़ में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बहुत सारे कलर वेरिएशंस आते हैं। जो ब्लू लटकन मैंने आपको लहंगे के लिए दिखाया था उसी का ये बड़ा साइज़ है फ्रेंड्स। ऐसे वाले लटकन भी लहंगे में बहुत अच्छे लगते हैं। आप देख सकते हैं दोनों का कंपैरिजन। दोनों की लेंथ लगभग आपको एक ही आएगी, लगभग, मैं पूरा एक नहीं बता रही हूँ, थोड़ा एक आध इंच का फ़र्क हो सकता है, बस ये बॉल्स में डिफरेंस है। तो ये लहंगे के लिए परफेक्ट होता है ये लहंगा और ये लटकन, सॉरी मैं आपको ये तीन तरीके के जो लटकन दिखा रही हूँ ये परफेक्ट फॉर लहंगा है। तो ये सारी चीज़ों को आई होप आपको मेरे ये आइडियाज़ पसंद आए होंगे कि मैं किस तरीके से किस लटकन को किस तरीके के ड्रेस के साथ पैर अप करती हूँ। लोगों को लगता है कि टेलर एमए बहुत सारे पैसे ले लेता है, नहीं दोस्तों, टेलर्स को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। पहले तो कलर मैच करो, फिर ढूंढ ढूंढ कर इन्हें खरीद कर लेके आओ। तो छोड़िए, कम टू द टॉपिक, और आई होप आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है एंड मेरा और भी है लटकन के कलेक्शंस, अगर आप उन्हें भी देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। एंड हाँ फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ कुछ स्टिचिंग के वीडियोज़ और ऐड करूँ जो आपके पसंद के हों, आप जानना चाहते हो, तो उन्हें प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर अपलोड करने की कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, एंड हाँ, हैप्पी मकर संक्रांति इन एडवांस। बाय बाय।